नमस्कार, टाइम्स ऑन नव भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। टाइम्स ऑन नव भारत का बड़ा खुलासा, महाराष्ट्र के वर्धा में एक हॉस्पिटल के गोबर गैस के टैंक से मिला 11 खोपड़ी और 56 मानव अंग मिले हैं। अवैध गर्भपात की जांच के दौरान इस गोबर गैस के टैंक का सका। 6 जनवरी को हॉस्पिटल में 5 महीने की गर्भवती लड़की का गर्भपात किया गया था। बंगाल के मैनागुड़ी में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। बीकानेर गुवाहाटी की अगर बात करें तो एक्सप्रेस ट्रेन की 5 बोगी पटरी से उतर गई। 5 लोगों की मौत हुई। हादसे में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर तैनात। राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी। हादसे की वजह से रेलवे ने 9 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया। पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम ममता बनर्जी ने एक्सीडेंट के बारे में जानकारी ली और जांच के आदेश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेल हादसे पर दुख जताया, पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी जल्द औपचारिक ऐलान करेगी और साथ ही सीईसी की बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 172 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। 2017 के मुकाबले बीजेपी की अच्छी जीत होने का दावा किया। आदर्श धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी ने 5 साल तक हमारी आवाज दबाई है, इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक विनय शाक्या ने पार्टी से इस्तीफा दिया, कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों की आवाज है, वो मेरे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी औद्योगिक सरकार में मंत्री पद छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि वो बीजेपी को बेहद कम सीटों पर समेट देंगे। योगी सरकार को तीसरे दिन तीसरा बड़ा झटका। शिकोहाबाद में बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश के अब तक 14 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। राकेश राठौर, जय चौबे समेत कई नेता बागी हो चुके हैं। हालांकि यूपी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बीजेपी छोड़ने की अफवाहों को खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने विधानसभा चुनाव के लिए 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। वहीं यूपी में पूर्व कांग्रेस विधायक गजराज सिंह आरएलडी में शामिल हुए। गजराज सिंह हापुड़ से 4 बार कांग्रेस विधायक रह चुके हैं और साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में ट्विटर ने उच्च मतदान सुनिश्चित करने और मतदाताओं को जोड़ने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। ट्विटर पर जो पहले करेगा वो भारत के चुनाव आयोग के साथ चुनाव खोज संकेत, कस्टम इमोजी और अधिसूचना अभियान। मतदाता साक्षात के समर्थन करने के लिए मतदाता शिक्षा भी होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने अमित शाह और लगभग सभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है। बैठक में कोरोना के मामले, टीकाकरण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा हुई। देश में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र से लेकर के राज्य सरकार की बैठक लगातार जारी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 247,417 नए मामले सामने आए और 84,825 लोग ठीक हुए। इस दौरान 380 लोगों की मौत भी हुई। देश में ओमाइक्रॉन के मामलों में इजाफा हो रहा है। अब तक देश में ओमाइक्रॉन के कुल 5,488 नए मामले सामने आ चुके हैं और साथ ही देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 155,28,00,000 के पार पहुंच गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,406 नए मामले सामने आए, जबकि 36 लोगों की मौत हुई। वहीं 34,658 लोग इस महामारी से उभरे हैं। तो वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण 28,867 नए मामले सामने आ चुके हैं। बिहार में भी कोरोना मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,393 नए मामले सामने आए, जबकि 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई। वहीं सामने आए नए मामले में सबसे ज्यादा 2,275 मामले पटना से हैं। कोवैक्सीन अब वयस्कों और बच्चों के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन है। भारत बायोटेक ने कहा कि हमने कोरोना के खिलाफ वैश्विक वैक्सीन विकसित करने का लक्ष्य हासिल किया और लाइसेंस के लिए सभी उत्पादन विकास पूरा कर लिया है। राजस्थान के जयपुर में हेरोइन की डिलीवरी करने आए 2 पेडलर को गिरफ्तार किया गया। दोनों युवक हेरोइन की डिलीवरी देने के लिए खरीदार का इंतजार कर रहे थे और इस दौरान दोनों को दबोच लिया गया। आरोपियों के पास से
800 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है और इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही। ये तस्वीर काशी के 80 घाट की है, जिस 80 घाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई अभियान चलाया था। आज वहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है और इसकी वजह से सफाई कर्मचारी की हड़ताल, सैलरी न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम बिजबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित करके विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी हुई। कुछ दिन पहले स्थानीय निवासी की तरह तहरीर हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बीएचपी महामंत्री मिलिंद परांत का विवादित बयान सामने आया। खंडवा में युवा सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हर हिंदू के घर में 2 से 3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारी आबादी कम होगी तो भविष्य में हिंदुओं के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। बीएचपी महामंत्री इराक के इरबल शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक किसी भी नुकसान और किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। इसराइल में विवादित जमीन पर वृक्षारोपण के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी जारी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, रबर की गोलियां भी दागी। घटना स्थल से कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें सैकड़ों लोगों को रेगिस्तानी राजमार्ग अवरुद्ध करते हुए देखा गया। संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष ने अफगानिस्तान में मानवीय आपदा की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को मानवीय आपदा से बचाने के लिए दुनिया को जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा। संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष एंटोनिया ने कहा है कि लोग अपना पेट भरने के लिए छोटे बच्चों को बेच रहे हैं। सूडान में तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी। तख्तापलट विरोधी प्रदर्शनकारी एक बार फिर से पुलिस से भिड़ गए। राजधानी खरतूम में हुए इस प्रदर्शन में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। कजाकिस्तान में हुए प्रदर्शन पर कजाक राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि ने अपना बयान दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन बीच में उसे कुछ असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया। उन्होंने कहा कि 11 प्रांतों में हुई ये हिंसा सुनियोजित थी। दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत के हाइड्रो पावर प्लांट में अचानक से बाढ़ आ गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 2 कर्मचारी अब भी लापता हैं। हाइड्रो पावर प्लांट के पावर स्टेशन में ब्लास्ट को हादसे की वजह माना जा रहा है। तो ये थी इस वक्त की 25 बड़ी खबरें। अब रुक करेंगे कुछ और बड़ी खबरों का, 1 मिनट में विस्तार से पूरी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य आज औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार में मंत्री पद छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि वह समाजवादी पार्टी में कल औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। वह समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा और मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक औपचारिक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों से उनका परिचय कराया। आधिकारिक घोषणा कल की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी को 2017 से पहले की तरह 45 सीटों पर सिकोड़ देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी कैबिनेट में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान ने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए बीजेपी छोड़ दिया है। कुछ दिनों के अंदर बीजेपी के कई विधायकों ने उसका दामन छोड़ दिया है। बीजेपी छोड़ने के सिलसिले ने यूपी में बड़ी सियासी हलचल मचा दी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना के रफ्तार की। देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी ताजा आंकड़े क्या है इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। खतरे को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की बैठक लगातार जारी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,47,417 नए मामले सामने आए हैं और 84,285 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 380 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना की रफ्तार दूसरी लहर से भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 46,406 नए मामले सामने आए, जबकि 36 लोगों की मौत हो गई। वहीं 34,658 लोग इस महामारी से उबरे। गुरुवार को राज्य में ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया। दिल्ली में कोरोना के मामले रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 28,867 नए मामले सामने आए हैं।
कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से राजधानी में ये संक्रमण के सबसे अधिक मामले हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 6,393 नए मामले सामने आए, जबकि 7 और मरीजों की मौत हो गई। वहीं सामने आए नए मामलों में सबसे ज्यादा 2,275 मामले पटना से हैं। और कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना की रफ्तार को देखते हुए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक अहम बैठक की। बैठक में पीएम मोदी के साथ मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान राज्यों के बढ़ते कोरोना मामले, टीकाकरण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए पाबंदियों को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। कोरोना पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने कहा, कलेक्टिव अप्रोच ही इस समय जीत का मंत्र है। साथ ही पीएम मोदी ने टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। मेहनत हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि आज राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्द लगेगी, उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की है, जहां बीकानेर से गुवाहाटी के लिए चली 15633 बीकानेर एक्सप्रेस मैनगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा शाम 5 बजे के आसपास हुआ। एक्सीडेंट कितना भयानक था, उन्हें मौके से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। देखिए, डिब्बे के ऊपर डिब्बे चढ़ गए हैं, जिनकी जान बच गई वो नीचे खड़े हुए हैं। जो बुरी तरह जख्मी हो गए वो ट्रैक पर पड़े नजर आए। इतना ही नहीं, खिड़कियों से देखा जा सकता है कि कुछ लोग डिब्बों में फंसे हुए हैं। बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की कुल 12 बोगियां पटरी से उतर गई और सवारियों से भरे 4 डिब्बे पूरी तरह से पलट गए। जहां हादसा हुआ वहां आसपास किसी भी स्टेशन पर कोई ठहराव नहीं था, इसलिए फौरन मदद के लिए बचाव दल को आने में समय लगा, लेकिन तब तक ट्रेन के दूसरे मुसाफिर साथी साथियों को बचाने के काम में जुटे रहे। ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे, साथ ही घायलों को 1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, रेल मंत्री आज हादसे की जगह का दौरा भी करेंगे। अराउंड 10 कोच अफेक्टेड है। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके अकॉर्डिंगली 3 कैजुअलिटीज रिपोर्टेड हैं अनफॉर्चुनेटली, और 20 पैसेंजर इंजर्ड बताया जा रहा है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोविड-19 से उपजे हालतों पर चल रही एक मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें ममता ने मोदी को हादसे की पूरी जानकारी दी। बाद में पीएम मोदी ने हादसे को लेकर एक ट्वीट भी किया और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख जताया। खबरों के मुताबिक बीकानेर एक्सप्रेस की S3 से लेकर S13 और D2 कोच पटरी से उतरे। इन बोगियों में करीब 1050 से ज्यादा लोग सवार थे। इनमें से 177 मुसाफिर बीकानेर से ही चढ़े थे। पूरी ट्रेन में 1200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। और हिंदुओं और उनके बच्चे को लेकर के VHP के नेता मिलिंद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर के एक विवाद गर्मा सकता है। देखिए रिपोर्ट। हर हिंदू के घर में 2-3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारी आबादी कम होगी तो भविष्य में हमारे अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। ये कहना है विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे का। विहिप मंत्री मिलिंद परांडे मध्य प्रदेश के खंडवा में युवा सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिलिंद परांडे ने कहा, हर हिंदू के घर में 2-3 बच्चे होने चाहिए। अगर हमारी आबादी कम होगी तो भविष्य में हिंदुओं के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। परांडे ने आगे कहा कि भारत देश की संस्कृति पर लगातार 2000 साल से आक्रमण होते रहे हैं, इसके बाद भी आज भारत देश में हिंदू बहुल है। ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति, सहनशीलता और हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष का ही परिणाम है। इस कार्यक्रम के दौरान युवाओं को त्रिशूल दीक्षा भी दिलाई गई। इसके अलावा लव जिहाद, धर्मांतरण, गौहत्या रोकने का संकल्प भी दिलाया गया।
और अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां पर एक कपड़ा व्यापारी के अजीब शौक से उसके पड़ोसियों को परेशानी में डाल दिया है। क्या है वो खबर, पूरी इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक कपड़ा व्यापारी कचरे का ऐसा शौकीन निकला कि उसने घर की छत पर 8 ट्रॉली कचरा इकट्ठा कर लिया। इस कचरे की वजह से पड़ोसियों का जीना दूभर हो गया। आलम यह था कि व्यापारी घर वालों को भी इसकी सफाई नहीं करने देता था। इसे लेकर व्यापारी की पत्नी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर तक में शिकायत दर्ज करवाई। ये कचरा सालों से इकट्ठा किया हुआ था। खबर के मुताबिक जब पड़ोसियों ने जनसुनवाई के दौरान कारोबारी योगेश गुप्ता की हरकत की शिकायत कलेक्टर से की, तो उन्होंने निगम आयुक्त को सफाई करने का आदेश दिया। छत पर से जब कचरे की सफाई शुरू की गई तो पूरा मोहल्ला कचरे से भर गया। हालत ये थी कि गली कचरे से पट गई और फिर जेसीबी को बुलाना पड़ा। बताया जा रहा है कि व्यापारी की छत से निकाले गए कचरे में प्लास्टिक की टंकियां, सरा अचार, नींबू के छिलके और बाकी ढेर सारा कचरा और कबाड़ मिला। और अगली खबर जयपुर से है, जहां पर ड्रग्स तस्करों के पास से 1 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई। राजस्थान के जयपुर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेरोइन की डिलीवरी करने आए 2 पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवक हेरोइन की डिलीवरी देने के लिए खरीदार का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान दोनों को दबोच लिया गया। आरोपियों के पास से 800 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। DST नॉर्थ टीम से सूचना मिली थी कि 2 युवक इलाके में मादक की तस्करी के इरादे से घूम रहे हैं, जिसके आधार पर गश्त के दौरान एक स्कूटर पर सवार 2 संदिग्ध युवकों को रोका गया। दोनों युवकों के पास बड़ा बैग था। पुलिस को देखकर दोनों युवकों ने बैग को छुपा लिया। पुलिस को शक होने पर दोनों युवकों से पूछताछ की गई तो दोनों संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने बैग की तलाशी ली, उसमें बड़ी संख्या में सफेद पाउडर के पाउच बरामद हुए। पुलिस की जाँच में सामने आया पकड़ा गया सफेद पाउडर हेरोइन है। और वाराणसी की बात करेंगे, वाराणसी में इन दिनों जगह जगह आपको कूड़ा दिखाई देगा। वजह यह है कि वहां के जो सफाई कर्मी है वो सैलरी न मिलने की वजह से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर काशी के 80 घाट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के इसी 80 घाट पर फावड़ा चलाकर सफाई अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन आज यहाँ की तस्वीर कुछ और कहानी बयान कर रही है। जिस 80 घाट पर पीएम मोदी ने सफाई अभियान चलाया था, आज वहां कूड़े का अंबार लगा हुआ है और इसकी वजह है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। सैलरी न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण यहां कूड़े का ये ढेर लग गया है। आरोप है कि कार्यदायी संस्था ने सफाई कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं दी है। इससे नाराज होकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। सफाई कर्मचारियों ने 80 घाट पर जगह जगह कूड़े बिखेर दिए और अपना विरोध जताया। उधर नगर निगम अधिकारियों ने समस्या का संज्ञान लेते हुए कहा कि जल्द ही इन कर्मचारियों के समस्या का समाधान किया जाएगा। नगर निगम अधिकारी समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं। जब तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटते, यहाँ गंदगी का ढेर इसी तरह लगा रह सकता है। और हरिद्वार में हुई धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में पुलिस ने एक गिरफ्तारी की। देखिए रिपोर्ट। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को पुलिस ने गुरुवार को हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित कर विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी हुई है। कुछ दिन पहले स्थानीय निवासी की तहरीर पर हेट स्पीच मामले में हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। वसीम रिजवी के अलावा इस मामले में साध्वी अन्नपूर्णा सहित कई संतों के नाम से हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। आपको बता दें कि हरिद्वार में हाल ही में आयोजित की गई धर्म संसद में कई लोगों ने नफरती भाषण दिए। इन भड़काऊ भाषणों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने एक केस दर्ज किया, लेकिन कई दिन बाद भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस दलील को रखते हुए कपिल सिब्बल ने याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को भी तैयार हो गया, जिसके बाद अब जाकर इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। और
करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कल जिस तरीके से आपको पता है बहुत बड़ा हादसा हुआ, ट्रेन हादसा, जिसमें कल बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और आज इसी सिलसिले में जलपाईगुड़ी के लिए रवाना होंगे रेल मंत्री। मौके पर हालात का जायजा लेंगे अश्विनी वैष्णव। कल बीकानेर एक्सप्रेस में पटरी से उतर गई थी और इस रेल हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी, 50 से ज्यादा लोग हादसे में जख्मी हुए। हालांकि मुआवजे की बात कह दी गई है, जो जख्मी है उन्हें भी 1,00,000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन बेहद दुखद ये घटना, देखिए किस तरीके से ये घटना घटी थी। जलपाईगुड़ी के लिए फिलहाल रेल मंत्री रवाना हो चुके हैं, वहाँ पर क्या हालात हैं इसको लेकर के वो जानकारी लेंगे। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या हालात वहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखने के लिए वहाँ पर रेल मंत्री पहुँच रहे हैं। मौके पर हालात का जायजा लेंगे अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री कल बीकानेर एक्सप्रेस वे पटरी से उतर गई थी और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर हो गया था उस वक्त। बहुत ही ट्रेजिक दुर्घटना है। बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी के आगे एक्सीडेंट हुआ शाम को। तुरंत रेस्क्यू एफर्ट्स हुए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कंप्लीट इसकी रेस्क्यू ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग की है। मैं अभी एक्सीडेंट साइट के लिए निकल रहा हूँ। ऑलरेडी साइट पे एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू टीम और ARTI जो होती है वो, प्लस जनरल मैनेजर ने जो एक्सक्रेशिया रिलीफ होता है वो भी अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पैसेंजर्स के प्रति जो हमारी ड्यूटी है वो निभाए। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।